Hello, what's up, beautiful peoples? This is Sahil, and welcome back to the channel. आपको शक्ल देख के अंदाजा हो चुका होगा कि मतलब नींद ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं हुई, मतलब अच्छी नहीं हुई नहीं बोलूंगा, मतलब नींद कंप्लीट नहीं हुई। हाँ भाई, 3 3:30 को सो के अगर तुम 6 6:30 को उठ जाते हो तो ऑब्वियसली आपका नींद कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा होगा क्योंकि डीप नींद होगी, लेकिन मतलब वो कंप्लीटनेस नहीं होगी। पर क्या करें, ट्रिप पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो हलचल या तो कुछ ना कुछ होती रहती है, तो जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं भी आज जल्दी उठ गया, पार्थो था अभी बाहर निकल गया, कुछ उनको लाना था। और यार कल रात को बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया वापस आते आते, थोड़ा जल्दी आते तो थोड़ा जल्दी मतलब थोड़ा ज़्यादा सोने को चांसेस मिलता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मतलब लास्ट नाइट अगर हम लोग लेट हुए तो वो भी वर्थ इट है। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। और आज का दिन का जो मतलब पूरा होल जर्नी या व्लॉग होने वाला है, वो होने वाला है अमृतसर के लोकल साइट सींग्स के ऊपर। एंड वहाँ से हम लोग रात को फिर से जम्मू जम्मू जाएंगे और जम्मू में ही हम लोग स्टे करेंगे। तो मिलते हैं आपको ऑन रोड। ओके गाइस, तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं मतलब उठ गया था आप लोग से थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं फिर से सो गया। और जब आँख खुली तो सब कोई ब्रेकफास्ट कर चुका था, मेरा ही मैं ही लास्ट था। तो मैं जैसे तैसे करके अभी ब्रेकफास्ट करके आया और अभी यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में लंच वंच करेंगे और लंच करने के बाद हम लोग यहाँ से सीधा निकल जाएंगे जम्मू की ओर। और लेकिन उससे पहले हम लोग वाघा बॉर्डर विजिट करने वाले। तो वाघा बॉर्डर यहाँ से करीबन करीबन आपको मतलब जैम मिला तो 1 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे शो देखेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधा जम्मू। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ कि जम्मू का डिस्टेंस यहाँ से 236 के अराउंड कुछ है, तो ऑलमोस्ट 4 घंटा लगने वाला है। तो कब पहुँचेंगे जम्मू ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन स्टे ट्यून रहना, बने रहना आज का व्लॉग में। और आज का व्लॉग में बहुत ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टे ट्यून बने रहना। ओके गाइस, बैग्स हो गए पैक्ड और रूम का कुछ ऐसा अवस्था था, वहाँ पे पार्थोदा का सामान है, यहाँ पे थोड़े से सामान है वो भी हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पूरे तरीके से लगेज कंप्लीट है, बस ये चार्जर डालना बाकी है। और मैं भी पूरा तरीके से रेडी हो चुका हूँ, नहा धो लिया, मतलब कल भी नहाया था आगे और आज भी सुबह सुबह नहा लिया। सुबह नहीं बोलूँगा, अभी के बज रहे होंगे कुछ 12, और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने। और लंच करने के बाद हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा जिसमें कि हम लोग यहाँ से वाघा बॉर्डर पहले जाएंगे और वहाँ से सीधा ओवरनाइट स्टे के लिए जम्मू निकल जाएंगे। तो मिलते हैं ऑन रोड। गाइस, एज यू कैन सी हम लोग अभी वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं और जा ही रहे हैं थोड़ा अंदर। शाही किला वेलकम यू टू अटारी बॉर्डर। सो गाइस, वाघा बॉर्डर पहुंच चुके हैं और एंट्री गेट के अंदर से हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं, मतलब जा ही रहे हैं क्योंकि पीछे पार्थोदा रुका हुआ था तो मैं भी रुक गया। तो पार्थोदा आ रहे हैं, अभी हम लोग भी इसके तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि 4 बजे से परेड शुरू होगा। अभी के बज रहे हैं 3:30, तो आधा घंटा पहले पहुँच गए। पहले पहुँचना बहुत ही सही है, मतलब ज़्यादा कुछ छूटता नहीं है, नहीं तो अगर लास्ट मोमेंट पे अगर सीट पे अच्छा नहीं मिलता है तो मतलब वो भी छूट जाता है। तो ठीक है, चले चलते देखते हैं। लाइन यहाँ पे अलग ही लेवल की चेकिंग चल रही है। ज़्यादा लाइन था लेकिन फाइनली गेट तक पहुँच गए हैं और अभी अंदर जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पैरेड शुरू हो चुका है एंड ख़त्म भी होने वाला होगा क्योंकि यहाँ पे गेट पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। आई लव इंडिया। गाइस, ज़्यादा लेट नहीं हुए, अभी तक पैरेड शुरू भी नहीं हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा गुड सिग्नल है क्योंकि हम लोग को लगा जैसे करके लाइन था वैसे करके लगा नहीं कि हम लोग टाइमली पहुंच पाएंगे। तो आप भी इंजॉय कीजिए, मैं भी इंजॉय करता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में।
2 hours for this and this was worth the wait. मतलब ये wait मैंने ऐसे ज़ाया नहीं किया, बहुत ज़्यादा सही प्रोग्राम था और मतलब सफल भाई, wait करना सफल हुआ। तो okay guys, हम लोग का अमृतसर ट्रिप यहीं पे होता है एंड। मतलब अभी हम लोग जम्मू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब अभी हम लोग सीधा जम्मू जाएंगे यहाँ से। और जम्मू का लगभग जो डिस्टेंस है वो आपको 238 से 240 के बीच में है अप्रॉक्सीमेटली है, कुछ मुझे पता नहीं है। लेकिन टाइम, हाँ टाइम आपको मैं बता सकता हूँ क्योंकि टाइम लगने वाला है 4 से 5 घंटा और थोड़ा रात का टाइम भी हो गया तो थोड़ा स्लो चलेंगे। तो मिलते हैं ऑन रोड फिर से। ओके गाइस, फिर से कांड हो गया। लास्ट टाइम भी यही चीज़ हुआ था कि मतलब कैजुअली मैं बहुत चीज़ें लेता हूँ और कैजुअली में मेरा जालियांवाला बाग फिर से छूट गया। मतलब अभी याद आ रहा है कि मैं तो सुबह मतलब थोड़ा सो फिर से गलती से सो गया था तो जालियांवाला बाग के लिए मेरा फिर से कैंसिल हो गया। अभी तो कोई सीन ही नहीं है जालियांवाला बाग। तो भगवान का मतलब कृपा से अगर नेक्स्ट टाइम फिर से अगर अमृतसर आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जालियांवाला बाग ही जाऊँगा, उसके बाद जो दूसरा रेस्ट ऑफ द काम है वो करूँगा। तो अभी के लिए अभी हम लोग जम्मू ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो मिलते हैं ऑन रोड। ओके गाइस, टाइम हो गया है कुछ 11:30 के करीब और हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट पे आया खाना खाने के लिए। अभी रुके हैं और यहाँ से भी अभी तक जम्मू का जो डिस्टेंस है वो है 90 किलोमीटर, तो टाइम थोड़ा लगेगा। तो अभी खाना खा लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। ओके गाइस, तो मेरे साथ कल रात को 2 सीन हुए। पहला मतलब रेस्टोरेंट में इंतज़ार पराठे के लिए, पराठे और तड़के के लिए इंतज़ार करते करते मैं फ़ोन यूज़ करने लगा और अचानक से मेरा बैटरी ड्रेन हो गया और फ़ोन का बैटरी पूरा डेड। तो मैं रूम पे आके चार्ज वर्च किया और उसके बाद इतना थका हुआ था कि मैं चुपचाप सो गया, ब्लॉक करने का मन नहीं किया। दूसरा सीन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब जम्मू सिटी एंटर करते करते इतना बारिश, भाई साहब पूछे ही मत। मतलब रास्ते में कुछ भी नहीं दिख रहा था, मतलब लिटरली एक गाड़ी दिखना इम्पॉसिबल हो गया था। और हमारे जो ड्राइवर भैया है वो बहुत सही गाड़ी चलाया और सेफली हमको होटल तक रीच करवा दिए। गाइस, अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और ब्लॉग पसंद आया तो वो कमेंट करना, नहीं आया तो भी कमेंट करना, लाइक करना डिसलाइक करना। और जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आधी अधूरी नींद हो तो मतलब ऐसे ही दिखते हैं लोग जैसे मैं दिखता हूँ अभी।